नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न ठाकुर। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन, मुंबई के पालघर के पास हुआ सड़क हादसा। रामलीला मैदान में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। कांग्रेस का प्रदर्शन, राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त। कोच रबीर से मिले पाकिस्तान के रिजवान और सकलेन मुश्ताक, महामुकाबले के लिए तैयार फैंस। आसमान में कीमत की जंग, मुंबई अहमदाबाद का टिकट 1,400 रुपए, मुंबई बेंगलुरु का 2,000 रुपए में। पंजाब में लगभग 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला शून्य बिजली बिल। असम के सोनितपुर में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान। लखनऊ में दिव्यांग छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। आंग सान सू को और 3 साल की कैद, कुल सजा 20 साल। लद्दाख में होगा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। धन्यवाद।